भागलपुर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने हवाई अड्डा स्थित बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सामुदायिक रसोई में बन रहे भोजन को भी देखा और भोजन बनवा रहे कर्मचारी से भोजन के मेन्यू के विषय में भी जानकारी हासिल की। उसके बाद उप मुख्यमंत्री शिविर में रह रहे बाढ़ पीड़ितों से उनका दुख दर्द जाना, बाढ़ पीड़ितों के द्वारा पशु के लिए चारा समय से उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर अंचलाधिकारी और जिलाधिकारी को बाढ़ पीड़ितों को सभी सुविधा मुहैया कराए जाने का दिशा निर्देश दिया। तारकिशोर प्रसाद उसके बाद स्वास्थ्य शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से कोरोना को लेकर बाढ़ पीड़ितों के लिए किए जा रहे विषय के बारे में जानकारी ली। जब उन्हें मालूम हुआ कि शिविर में केवल NT-PCR की सुविधा उपलब्ध है, तो उन्होंने जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम को RT-PCR जांच कराए जाने का भी निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने शिविर में हुए एक नवजात बच्चे के जन्म पर उनकी मां को 10,000 रुपये का चेक देकर बच्चे के ठीक से लालन पालन करने की बात कही। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सरकार के द्वारा हर संभव मदद बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने की बात करते हुए सभी बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6,000 रुपये प्रति परिवार दिए जाने की शुरुआत हो जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि अब तक 65,000 बाढ़ पीड़ितों को सरकारी सहायता उनके खाते में पहुंच चुकी है, जबकि शेष बाढ़ पीड़ितों को जल्द ही राशि मिल जाएगी। तारकिशोर प्रसाद ने बाढ़ प्रभावित सभी किसानों के फसल क्षति का आकलन कर जल्द से जल्द उन्हें क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, DTO परवेज अख्तर सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जो मुआवजा का प्रावधान है उसकी गणना कर ली गई है और उन्हें मुआवजा भी हम सब उपलब्ध कराएंगे, और GR का जो 6,000 रुपया की राशि है उसे भी बाढ़ पीड़ित परिवार के खाते में जाना प्रारंभ हो गया है। ये सब कितना कुल हुआ होगा? 65,000 लगभग सर। 65,000 परिवार, 65,000 परिवार सर, उसमें राशि हो जाएगी लगभग 39 करोड़ रुपए। मतलब 65 को हम लोग दे चुके हैं। हाँ, यहाँ से फॉरवर्ड कर चुके हैं सर। उसमें 65,000 परिवार भागलपुर जिला के जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उनको 6,000 रुपया प्रति परिवार की दर से राशि भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो उनके खाते में DBT के माध्यम से जाएगा। विस्थापित शिविर में अगर कोई माँ संतान को जन्म देती है, अगर वो फीमेल बेबी है तो 15,000 रुपया और मेल बेबी है तो उसे 10,000 रुपया उसके पौष्टिक आहार और उसके पोषण के लिए सरकार की ओर से दी जाती है, और साथ साथ एंटीजन एवं RT-PCR जो कोविड जांच की व्यवस्था की गई है, RT-PCR भी का भी वो जांच प्रारंभ हो रहा है, जिससे कि संक्रमण नहीं हो। और अभी तक तो हमारे चैनल पर कोसी के कहर के कारण करहा रहे भागलपुर नौगछिया के मदरोनी पंचायत के लोगों को अब तक सरकारी सुविधा नहीं मिलने की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों से इस पर जवाब तलब किया है और मदरोनी पंचायत के सभी बाढ़ पीड़ितों को सभी सरकारी सुविधा दिए जाने का निर्देश जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को देते हुए घर में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन पहुँचाए जाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि पूरे जिले में जांच कराकर देखना होगा कि अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन मिला है कि नहीं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने भी तुरंत ही रंगरा के अंचलाधिकारी को इस पर अमल किए जाने की बात कही। कुणाल जी, ज्यादा परिवार हैं जिनको कि अब उसकी भी कार्रवाई की जा रही है, और विशेष रूप से एक जो ये लोग बता रहे थे कि जो सूखा जो राशन है, जहाँ जो शिविर में नहीं आ पा रहा है उस सूखा राशन कहीं कहीं लगता है कि नहीं पहुँच पा रहा है, एक बार सुनिश्चित करा लीजिए। ये बता रहे थे ना, कोई बता रहे थे पत्रकार में, जो आया था वो रंगरा नौगछिया पुलिस जिला में मदरोनी का आया था, एक बार उसको दिख पाया। पिछले एक महीने से भागलपुर के नौगछिया मदरोनी पंचायत के हजारों लोग कोसी के कहर के बीच अपना जीवन यापन करने को मजबूर दिख रहे हैं। सबसे भयावह स्थिति पंचायत के मदरोनी, पुरवारी टोला और नासी टोला की है।
जहां जल प्रलय के कारण मकान के निचले तल में लोग बाढ़ का पानी आ जाने पर छत पर प्लास्टिक लगाकर डेरा जमाए हुए हैं और अब तक किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिलने से परेशान लोग मदरौनी पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना से फरियाद लगाने पहुंचे और भोजन पेयजल और शौचालय और बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली सरकारी सहायता दिलाए जाने की बात कही। मुखिया ने सभी पीड़ितों की बात गंभीरतापूर्वक सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान पंचायत के मुखिया अजीत कुमार सिंह ने बताया कि उनका पूरा पंचायत पूरी तरह बाढ़ प्रभावित और जलमग्न है, हजारों की आबादी इससे प्रभावित हुई है। 35 दिन पूर्व भी त्राहिमाम संदेश जिले के वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचाए जाने के बावजूद अब तक सिर्फ कुछ पन्नी ही सहायता के रूप में जिला प्रशासन से मिली है, जबकि उनके पंचायत में लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुखिया ने यहां तक कहा कि कोई भी अधिकारी अब तक उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिले के पदाधिकारियों से मदरौनी पंचायत पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करने की भी बात कही। अभी तक सरकारी 35 दिन से हमारा पूरा पंचायत पानी से डूबा हुआ है। सरकार के द्वारा सिर्फ राहत के नाम पे सिर्फ दो नावें चल रही हैं। नाव चलने के बाद में सिर्फ 150 पॉलिथीन हमको दिया गया है, जिसको कि हमारे द्वारा कल गोरियारी टोला और ठाकुर टोला में बांट दिया गया। आज संभावना है 100 पॉलिथीन का, बोला जा रहा है कि 100 पॉलिथीन मिलेगा हमको। 10 से 12 शौचालय हमारे द्वारा गरवाया गया है PSD को कह करके, 4 से 5 ट्यूबवेल गारा गया है, लेकिन उससे हमारी और इतनी बड़े पंचायत को जहाँ की हमारी आबादी 6.5 से 7 हज़ार की आबादी है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 10 शौचालय और 5 ट्यूबवेल दे देने से हमारा पूर्णतया काम हो जाएगा। आज तक ना फूड पैकेट्स दिया गया है सरकार के द्वारा और ना ही किसी भी राहत का कोई भी एक आदमी कोई बड़े अधिकारी तक यहाँ पे आना उचित नहीं समझ रहे हैं। आप अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम अपने स्तर से जो हमारे तरफ से बन सकता है जनता को देना, बिस्किट्स हमारे द्वारा जो भी है हम 10-12 कार्टन मंगवा करके बंटवाए, जो यदि कोई बीमार पड़ जाते हैं तो उनको कुछ पैसा देकर के हॉस्पिटल तक पहुंचा देने का हमारा जो काम होता है हम उस काम को करते हैं। लेकिन क्या करेंगे हम जब पूरा गांव ही हमारा पूरा प्रभावित है, हमारे घर में जब पानी, हमको लगता है कि थाई भर पानी जो है हमारे घर में जब लगा हुआ है, हम क्या मदद किसी को जनता को कर सकते हैं? देखिए, अधिकारी हमारी बात सुन रहे होते आज तो आज 35 दिन से हमारे गांव में पानी है। आज तक फूड पैकेट्स बट जाना चाहिए, लेकिन फूड पैकेट्स आज तक हमारे यहां पे नहीं बट पाया है। आज तक पॉलिथीन हमको सिर्फ 2 दिन पहले पॉलिथीन दिया गया है, पॉलिथीन हमारे द्वारा बांटने का काम चल रहा है। आज जाकर के 150 पॉलिथीन हमारा बट चुका है। आज हमारे द्वारा फिर से डिमांड किया गया है कि कम से कम 300 पॉलिथीन दिया जाए, लेकिन मुझे संभावना है कि 100 या 125 पॉलिथीन और हमको मिलेगा, जिसको कि अभी हमारे द्वारा यहां पे वितरण किया जाएगा। क्या जिला प्रशासन से क्या अपील? जिला प्रशासन को भी हमारे द्वारा इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन आज हम 15-20 दिन से बार बार DM साहब को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी बड़े अधिकारी यहां पे आना उचित नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है वो कहीं परेशान हो, या इस्माइलपुर में भी बांध टूटा है, चारों साइड से बांध टूट गया है, हो सकता है वो उस जगह पे व्यस्त हों, लेकिन हम सरकार को यहाँ पे एक बड़े नामुंदक अति इसको बड़े अधिकारियों को भेजना बहुत ही उचित था, जो कि मदरौनी पंचायत इस तरह की बाढ़ की विभीषिका हमने 98 से पूर्व में यहाँ पे इस तरह की विभीषिका हमने नहीं देखी थी। बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री की मांग को लेकर सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर के मुख्य गेट को जाम कर घंटों हंगामा किया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि पिछले कई दिनों से अंचलाधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि आज राहत सामग्री लेना तो कल आकर लेना, ऐसे में हम सभी बाढ़ पीड़ित छोटे बच्चे को घर पर ही छोड़कर दिन भर प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। हमारा घर बाढ़ के कारण चारों ओर से घिरा हुआ है, घर में अकेले छोटे बच्चे को छोड़कर जाना कहीं न कहीं खतरे का संकेत दे रहा है। जाम की सूचना पाकर सुल्तानगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बाढ़ पीड़ितों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। शाहबाद हरिजन टोला वार्ड नंबर 12 का है, इन लोगों को कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं मिला है, नहीं तो पन्नी है। रात में एक आदमी घटना बीत गया, उसको लेकर आवेदन दिए। हाँ, आवेदन कल ही दिए, परसों भी दिए, कल भी दिए। क्या काम अब ये फंड हट गया, नहीं है, शिविर भी बंद हो गया। आज बोला हमको नहीं दिया।
बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी भागलपुर पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने बरारे स्थित कुक्कुट विभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कई मुर्गों के लिए बनाए गए घरों का भी जायजा लिया और उसमें रह रहे मुर्गों की संख्या की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। इस दौरान मंत्री मुकेश सहनी कुक्कुट प्रक्षेत्र की व्यवस्थाओं को देखकर खासे नाराज दिखे और अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश भी दिया। इसके बाद मंत्री कुक्कुट प्रक्षेत्र परिसर में वृक्षारोपण किए और अधिकारियों को पेड़ की सेवा करने की बात कही। निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि कुक्कुट विभाग के निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गई है, सुधार को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को पशु चारा के लिए हो रही परेशानियों के बाबत जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय आम लोगों को भी भोजन के लाले पड़ जाते हैं। हमारा मंत्रालय और सरकार इस परेशानी को जल्द दूर करने का प्रयास कर रही है। बाढ़ के दौरान पशुओं के मौत पर वैसे पशुपालकों को मुआवजा देने की भी घोषणा की। बाढ़ में चाहे वो बकरी हो, भैंस हो या मुर्गी हो, जो भी पशु है वो अगर डेथ होता है तो उनके ऊपर सरकार की तरफ से मुआवजा है, उसके लिए वो जिला पदाधिकारी के इधर आवेदन भरे और अपना सारा डिटेल जानकारी दे और उसके बाद उनको मुआवजा मिलेगा। सर, इलाके में जो देखिए ये आपदा में तो ये तो सबके लिए समस्या है, तो उसी तरीके से विभाग हर संभव कोशिश करता है कि पशु चारा या जो भी दवा है पशु के लिए ये सारे चीज़ हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और बाढ़ के समय में तो हर आदमी को खाने के लिए भी समस्या हो जा रहा, तो पशु के लिए तो निश्चित तौर पे समस्या होगा। इसके लिए कहीं बहुत ऐसे है रास्ता कटा हुआ है, रास्ते पर पहुँचा नहीं जा सकता है, तो ये सारी चीज़ समस्या आ रहा है। लेकिन उस समस्या को दूर करते हुए भी जहाँ इस तरीके से जो भी है हम लोग खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर जिला वाइज कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं, जहाँ पर इस तरीके से समस्या है उसको दूर किया जा रहा है। और आप लोगों के भी समक्ष कहीं पे ऐसे कोई समस्या हो तो आप लोग भी बताइए और उसको विभाग अपने स्तर से उसको दूर करेंगे। जातीय गणना के मुद्दे पर भागलपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राज्य की भावना से उनको अवगत कराएंगे, जिसको लेकर बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा ही जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर कोई निर्णय लिए जाने की बात कही। जब उप मुख्यमंत्री से यह पूछा गया कि अब तक बीजेपी जातीय गणना को लेकर तैयार नहीं है तो उन्होंने कहा कि हमने कभी इसका विरोध भी नहीं किया। बीजेपी का स्टैंड का बात नहीं है, बिहार विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके आलोक में अपनी बात करते हैं। लेकिन जो यह जनगणना है यह राष्ट्रीय स्तर पर होता है, एक विधानसभा ने इस ढंग के प्रस्ताव को पारित करके दिया है और उस आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, लेकिन पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और जो जनगणना का जो ये है इंस्टीट्यूशनल जो उसका सिस्टम है वो कितना वो आगे की प्रक्रिया है भारत सरकार उसको देखेगी, लेकिन राज्य की जो भावना है वो वहाँ बता दिया। बिहार बीजेपी का क्या स्टैंड है सर? अरे बिहार बीजेपी के हमारे विधानमंडल से एक प्रतिनिधि जा रहे हैं। प्रतिपक्ष का बात नहीं है, देखिए बहुत चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन है क्या कि हर उसका एक अपना दायरा होता है, कौन किस स्तर पर इसको करेगा, क्या उसकी परिस्थिति है। वहीं भागलपुर पहुंचे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने जातीय गणना कराए जाने की बात करते हुए 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से मिलकर उनसे बिहार में गणना कराए जाने की अपील करने की बात कही। हम लोग तो चाहते ही हैं कि जाति जनगणना हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सोमवार को 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और हम लोग चाहेंगे कि बिहार में देश में जाति जनगणना हो, तो इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में जा रहे हैं दिल्ली और इस अपनी बात को रखेंगे। शिविर में भागलपुर के सबौर के घोसपुर में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और जिला जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के टीम के द्वारा बनाए गए डॉक्टर अजय वाटर हेलमेट का परीक्षण किया गया।
इस दौरान कई लोग वाटर हेलमेट पहनकर उफनाई गंगा की तेज धार के बीच चले गए और फिर सभी लोग बिना तैरे काफी देर तक पानी की धारा के साथ बहते दिखे। इस दौरान वाटर हेलमेट पहने लोगों ने पानी की सतह पर आराम से चिप्स का पैकेट भी खाया। परीक्षण में शामिल लोगों ने वाटर हेलमेट को काफी कारगर बताया। वहीं इसको इजाद करने वाले डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह तकनीक बाढ़ के समय नाव दुर्घटना या अन्य आपदा में डूबने से होने वाली मौतों को रोकने में काफी हद तक मददगार होगा और सरकार का करोड़ों रुपया भी इसका उपयोग कर बचाया जा सकता है। डॉक्टर अजय ने बताया कि जिस तरह हेलमेट लोगों के दुर्घटना के समय सर में गंभीर चोट लगाने से बचाती है, उसी तरह वाटर हेलमेट पानी में लोगों के सर को डूबने नहीं देगा, जिसके कारण लोगों की जान बच सकती है। वाटर हेलमेट के निर्माता डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से काफी कम दाम में तैयार होने वाले इस उपकरण को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा परीक्षण कराकर उपयोग में लाने की अपील भी की। हम लोग नाए से जा रहे थे, एक डेमो कर रहे थे जो जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा ये डिब्बा दिया गया था, जिससे नाए डूबा, हम लोग गिर गए पानी में। इसके द्वारा हम लोग बाहर हो गए, क्योंकि हेलना भी नहीं आता था, तभी हम लोग ऊपर रहा, सर ऊपर रहा, हाथ ऊपर रहा, किसी तरह हम लोग किनारा लग गए। हर साल सैकड़ों लोग मरते हैं बाढ़ के अलावे, ऐसे भी नदी में नाव पलटती है और डूब के मर जाते हैं। करोड़ों रुपया मुआवजा के तौर पर सरकार देती है। ये वाटर हेलमेट है जो जान बचा सकता है, जिसको आप देख चुके हैं, या किसी भी डूबे हुए व्यक्ति को घंटों वो रह सकता है पानी में। और ये वाटर हेलमेट मैंने क्यों नाम दिया, जिस तरह से बाइक की हेलमेट यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो सर फूटने से बचाता है, उसी तरह से ये वाटर हेलमेट सर डूबने से बचाता है, और यदि सर नहीं डूबेगा तो आदमी जिंदा बचेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का 77वां जयंती समारोह पर भागलपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया। कांग्रेस भवन में जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की बात कही। यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस नेता परवीन सिंह कुशवाहा के आवास के समीप राहगीरों के बीच शरबत और ठंडा जल वितरित कर पूर्व प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलने की बात कही। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के आवास पर स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में महिला मोर्चा के द्वारा जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि कर उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया गया।